बागेश्वर धाम के गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को गलत कहने वाले लोगों, पहले इस वीडियो को देख लो। ये हवा भूत प्रेत भगाने का सिलसिला आज से नहीं वर्षों पहले से चला आ रहा है। कहते हैं कि अयोध्या के महंत बाबा अभयराम ने नवाब शुजादुल्ला के शहजादे की जान बचाई थी। जब बैद और हकीम ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब कहते हैं नवाब के मंत्रियों ने अभयराम दास से मिन्नत की थी कि एक बार आकर नवाब के पुत्र को देख लें। फिर बाबा अभयराम ने कुछ मंत्र पढ़कर हनुमान जी के चरणामृत का जल छिड़का था, जिसके चलते उसके पुत्र की जान बच गई थी। नवाब ने खुश होकर अभयराम जी से कुछ मांगने को कहा था, तो अभयराम ने कहा, हम तो साधु हैं, हमें क्या चाहिए, हनुमान जी की कृपा से आपका पुत्र ठीक हुआ है, बस आप हनुमान जी के मंदिर बनने में कुछ सहयोग कर दीजिए। तब नवाब ने 52 बीघा भूमि अभयराम को उपलब्ध कराई थी। ये वो जगह है जहाँ लंका विजय के बाद हनुमान जी यहाँ एक गुफा में रहा करते थे और राम भूमि रामकोट की रक्षा करते थे। इसी कारण इसका नाम हनुमानगढ़ या हनुमानकोट पड़ा। इसे हनुमान जी का घर भी कहा गया है। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।